भोपाल में बाजार अनलॉक से पहले व्यापारियों के टीकाकरण के लिए महावैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की। अभियान के तहत कई जगह कोरोना प्रोटोकॉल के पोस्टर लगाए गए और टीकाकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार से भोपाल को पूरी तरह से अनलॉक करने की तैयारी चल रही है। संपूर्ण बाजार खुलने से पहले व्यापारियों के टीकाकरण के लिए महावैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। शहर के विभिन्न बाजारों में 100 स्थानों पर दुकानदारों और उनके कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन की ओर से शिविर लगाए गए हैं, जहाँ पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए गए। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने व्यापारियों के लिए न्यू मार्केट में लगे कैंप का शुभारंभ किया और दुकानों के सामने कोरोना प्रोटोकॉल के पोस्टर लगाए। अब हम पूरी तरह से अनलॉक कर रहे हैं और इसीलिए व्यवसायी संगठनों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया है कि हमारे जितने भी बाजार हैं उनके सभी व्यवसायी और उनके व्यवसाय में काम करने वाले सेल्समैन पूरी तरह वैक्सीन के कवरेज में आए, इसलिए एक वृहद रूप से अभियान चलाया जा रहा है, टीका लगाओ और बाजार खुलवाओ। ये व्यवसायी संगठनों का ही कार्यक्रम है। हमने सभी भोपाल के बाजारों में अलग अलग स्थानों पर कैंप लगवाए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। अनलॉक हो रहे बाजारों में ग्राहकों और दुकानदारों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने का जिम्मा कोरोना सेफ्टी टीम के साथ ही स्वयंसेवी संगठनों और एनजीओ को भी दिया गया है। यह टीम बाजारों में निकलकर लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। व्यापारियों के लिए कोरोना टीका लगाने के स्थान सुनिश्चित किए गए हैं। ये सभी व्यावसायिक संगठनों का ये नारा था कि हम पहले वैक्सीन लगाएंगे, अपने सभी लोगों को सुरक्षित करेंगे, फिर अपना व्यापार आगे बढ़ाएंगे, फिर दुकानें खोलेंगे। उसी को फैसिलिटेट करने के लिए प्रशासन के द्वारा सभी बड़ी मार्केट्स में कैंप्स लगाए गए हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके कोरोना से सुरक्षित कर सकें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।